ऐसा है कि मैं क्या है कि इन बातों से थोड़ा दूर ही था पहले से, और अभी भी प्रकृति में नहीं है ये। बाकी तो अच्छा है कि लोग समाज सेवा में जुटे, और क्योंकि हर काम सरकार नहीं कर सकती, पर समाज अगर करेगा तो हर कार्य जो है काफ़ी अच्छा होगा और प्रमाणिक होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेवा कार्यों में लगे, ये मेरा निवेदन है। आपने उस अंचल को सुना था जहाँ आदिवासी अंचल है जी, सुविधाएं बेहद कम थी, क्या हाँ चुनौतियाँ आई और आप तो किस तरीके से उनका सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं? मैं क्या है, जब सेवा भारती का दायित्व था तो सारे राजस्थान में घुमा, राजस्थान की 200 तहसीलों में घुमा, और घूमने के बाद मुझे लगा कि ये जनजातीय अंचल है, इसमें सेवा की अवस्था है। तो प्रारंभ में हमने वहीं काम प्रारंभ किया और काम चलता रहा, समाज का पूरा सहयोग मिलता रहा। अपने जो हॉस्पिटल है वो हमने कल्पना ही नहीं की थी कि कोई ऐसा हॉस्पिटल भी बनेगा, और वो हॉस्पिटल बन गया और काफ़ी लोगों ने उसमें सहयोग किया। अभी भी जो है जो दो MP जो वहीं के हैं डूंगरपुर क्षेत्र, उसमें महाराज कुंवर साहब ने 28 लाख रुपए उसके हॉस्पिटल के लिए दिए। कनकमल कटारा जो है वो अभी लोकसभा के सदस्य है, उन्होंने 30 लाख रुपए दिए। तो हॉस्पिटल के लिए लोगों की बड़ी इच्छा है, हॉस्पिटल का भविष्य उज्जवल है और अधिक से अधिक लोगों की सेवा हो। और क्या कहना है, बोलो आप बता दो, हम तो पत्रकार हो, आप हमको तो पता ही नहीं पड़े। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और खासतौर पर आवासीय विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। छात्रावास तो क्या है कि पहले हम छात्रावास जो चलाते थे उसमें अनाथ बच्चे मिलते थे हमको, अब आजकल अनाथ बच्चे नहीं मिलते। शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हुआ, लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई, तो अब जो है लोग शिक्षा के दूसरे क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग में है, कोई वकालत में है, बाकी क्षेत्रों में लोग जाने लगे, और लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, गवर्नमेंट ने भी अच्छा विकास किया। पहले जो डूंगरपुर था आज से 20 साल पहले और आज के डूंगरपुर में बहुत अंतर है। मूलचंद जी लोढ़ा ने अपना जीवन ग्रामीण क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो पहले काम करते थे, तो वहाँ ग्राम विकास का जो उनके मन में करुणा थी कि वो आदिवासी लोग हैं और बड़ी विपन्न स्थिति में रह रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने जो बच्चे अनाथ हैं जिनके अभिभावक अब नहीं उनको देखभाल कर पा रहे, उनकी देखभाल के लिए उन्होंने 5 बच्चों को लेके एक आदिवासी के झोंपड़े में ही एक छात्रावास शुरू किया, और फिर धीरे धीरे समाज कल्याण विभाग ने भी उनका सहयोग किया और ये संख्या लगभग 40 बच्चों के साथ लेके वो एक रहने लगे झोंपड़े। लेकिन झोंपड़े की जब दिक्कत आने लगी तो वहाँ उस समय जो MP थे कनकमल जी कटारा, उन्होंने फिर एक अपने MP कोटे से एक सामुदायिक भवन बनाया, तो फिर छात्रावास उन्होंने उसमें शिफ्ट किया, और फिर चूंकि वो एक सामुदायिक भवन था वहाँ गांव के लोग भी कुछ न कुछ काम करते रहते थे पंचायत के उधर से, तो उसकी कठिनाई को देखते हुए फिर उन दानदाताओं के सहयोग से एक छात्रावास का स्वतंत्र आवास का निर्माण कराया। अब वो बच्चे जब वहाँ जो स्कूल थी वहाँ पढ़ते रहते, तो पर उसके बाद जब क्रमोन्नत हो गए तो वो कहाँ जाएँ, तो उनकी व्यावहारिक समस्या को देखते हुए फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ एक स्कूल ही शुरू कर दी, और वो विद्यालय धीरे धीरे दानदाताओं के सहयोग से अब तो बहुत बड़ा विद्यालय हो गया है। उस क्षेत्र में जो कैटरेक्ट की समस्या है, जो ग्रामीण जो वनवासी थे वहाँ के लोग, उनके आँखों के ऑपरेशन को लेकर वो बड़े चिंतित हुए और प्रारंभ में उन्होंने नेत्र चिकित्सा शिविर लगाने शुरू किए। अब उसके चूंकि गांव-गांव में लगाने पड़ते और वहाँ जो अनहाइजेनिक कंडीशंस है उनके कारण डॉक्टर ये कहते थे कि साहब यहाँ ऑपरेशन तो हम कर रहे हैं लेकिन कभी भी कोई दुर्घटना होगी तो अपने परमार्थ करते करते संकट में फंसेंगे, तो कुछ ऐसा किया जाए। तो फिर उनके निगाह में आई कि चलो अपन एक काम करते हैं, एक हॉस्पिटल बनाते हैं ताकि पेशेंट सब जगह से देख के आइडेंटिफाई करके और उनको अपन यहाँ ले आए और हाइजेनिक कंडीशन में फिर उनकी आँखों का ऑपरेशन हो। तो इस विचार के साथ फिर उनको दानदाता मिलते चले गए और एक बड़ा नेत्र चिकित्सा का बड़ा हॉस्पिटल उस केंद्र उस इलाके में है जहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और अब तक वो मेरे ख्याल से 3000 से ज़्यादा कैंप कर चुके हैं उस इलाके में और 18000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं, और उनके कार्यक्रमों में राज्यपाल भी जा चुके हैं, MP जा चुके हैं, मंत्री जा चुके हैं, बहुत से लोग और बाकी सब सार्वजनिक संस्थाएँ भी मदद करती हैं। तो निगाह में ये आया कि यदि आप एक स्वस्थ भाव लेके
लोक कल्याण के लिए आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो यह समाज सहयोग करने में कहीं भी पीछे नहीं रहता है। मतलब लोग आपको भरोसा नहीं होगा कि सरकार ने उनको वहाँ 30 बीघा ज़मीन आवंटित किया निःशुल्क, और दानदाताओं के सहयोग से इतना बड़ा कार्य वहाँ शुरू कर दिया उन्होंने। छात्रावास है, विद्यालय है, हॉस्पिटल है, उनके पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट आते हैं उनके रुकने के लिए वहाँ गेस्ट हाउस है, और भोजन के लिए वहाँ एक राम रसोई चलती है जहाँ कोई भी आके निःशुल्क भोजन कर सकता है दोनों समय। तो ये इतना अद्भुत काम उन्होंने खड़ा किया है, तो उनकी जो सेवा भाव की प्रेरणा है उसको देखते हुए सरकार ने राष्ट्रपति के द्वारा उनको जो पद्मश्री मिला ये वास्तव में पद्मश्री पुरस्कार का सम्मान है। ऐसे लोगों को सम्मानित करके पुरस्कार अपने आप में सम्मानित होता है। तो उनका अभी जयपुर का कार्यक्रम था तो हमें पता चला, तो मैंने कहा चलिए हम ये ग्रासरूट मीडिया के द्वारा हम ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व का हम एक प्रशंसा का सम्मान करते रहते हैं प्रशस्ति। तो आज का आयोजन उनके इस कार्य को लेके उन कार्य को सम्मान करने के लिए था। पद्मश्री तो एक बहाना है, तो उसके कारण हमको ये आज बड़ा गौरव प्राप्त हुआ कि मूलचंद जी लोढ़ा का आज हम यहाँ इस प्रांगण में उनका प्रशस्ति कार्यक्रम कर सके। हमको बड़ा इस बारे में एक कृतज्ञता का भाव भी है कि समाज की तरफ से हमने उनके सेवा भाव को अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। ये इसका कार्यक्रम ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया आज का ये प्रशस्ति कार्यक्रम जो श्री मूलचंद जी लोढ़ा जी के लिए हुआ, एक बहुत ही अच्छा प्रयास था। और उनके जितने भी वृतांत हमने यहाँ पे आज जाने सुने उससे डेफिनेटली हम सभी लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। इस तरह के कार्यक्रम कलानेरी में अमूमन हम लोग आयोजित करते रहते हैं, और आज पधारे हुए सभी लोगों के साथ में एक अच्छा सानिध्य यहाँ रहा। ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। अब देख रहे हैं कि मूलचंद जी का काम अपने आप में बोलता है, और उसी निमित्त भारत सरकार ने भी उनको पद्मश्री से सम्मानित किया। लेकिन जैसा यह निष्कर्ष निकल के आया कि शायद ये मूलचंद लोढ़ा जी से ज़्यादा सम्मान पद्मश्री का है, तो जो आधारभूत स्तर पर जो काम कर रहे हैं, ग्रास रूट पर जो लोग काम कर रहे हैं, ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन का मतलब भी ये है कि लोगों को प्रेरणा मिले और ये कड़ी आगे बढ़े, उसी दिशा में आज का ये कार्यक्रम आयोजित था। प्रशस्ति के नाम से ऐसी श्रृंखलाएँ होती रही है, उस कड़ी का ये तीसरा कार्यक्रम था, आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम था। मूलचंद जी जिनको पद्मश्री मिला और किस लिए मिला आज हमने जाना, क्या उनकी यात्रा रही, एक बहुत ही करुणा भरा उनका हृदय है, और किस तरह से उन्होंने आदिवासी इलाकों में बच्चों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए इतना अच्छा काम किया कि शायद ये कार्यक्रम बहुत छोटा था उनकी यात्रा को बयान करने के लिए, लेकिन हाँ अच्छा लगा इस कार्यक्रम में सभी को आकर के, और हम सब ने शायद उनसे प्रेरणा भी ली।